चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बच्चों के समर वेकेशंस में जैसे कि मैं अपने ससुराल में हूँ अभी गांव में, तो सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे हर्षवर्धन अभी तक सो रहे हैं। बाकी आदित्य हमारे उठ के बाहर आंगन में घूमने लग गए हैं। और फ्रेंड्स, ससुराल आई हूँ तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शादी की एल्बम, और उसमें से मैं आपको अपना हल्दी लुक रिक्रिएट करके दिखाऊंगी, क्योंकि उसकी जो साड़ी थी वो भी यहीं पर ही पड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि चलो कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं आज। रूम की अपने साफ़ सफाई वगैरह सब कर ली है मैंने, और आपको बाहर का अपने चारों तरफ की लोकेशन दिखाती हूँ, सुबह सुबह हमारे गाँव का नज़ारा कैसा है। दोपहर का टाइम है और हमारी पूरी फैमिली लंच कर चुकी है और सब अपने अपने रूम में सोने चले गए हैं, और मैं अपनी नींद ख़राब करके आज अपना हल्दी लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैंने आपसे वादा किया था। मतलब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको साड़ी मैंने निकाल ली है, ये इसमें है वो साड़ी जो मैंने पहनी थी अपनी हल्दी पे। मतलब हल्दी, हमारे यहाँ हल्दी लगाने के बाद गणेश पूजा होती है, उसमें साड़ी पहनी थी मैंने ये वाली। हल्दी लगाते वक्त तो मैंने बहुत पुराना सूट पहना था, क्योंकि वो फोटो वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको एल्बम भी अपना शेयर करूंगी। मतलब मायके साइड का एल्बम तो मेरा वहीं पर है, लेकिन जो मेरे ससुराल की तरफ की एल्बम है ना, वो यहीं पर है। तो और कुछ मेरे पास लैपटॉप में भी फ़ोटोज़ हैं। तो ये है दोस्तों वो साड़ी, इसमें देखिए इस तरह से मोती का वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये शिफॉन की। तो मैंने सुलटे पल्ले की साड़ी पहनी थी, तो सेम वैसी पहन ली है, जिसमें मतलब पल्लू को राइट शोल्डर पे रखा जाता है, जैसे दया पहनती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, सेम वैसे ही। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो फेस पे मैं अभी तो फेस पाउडर लगा रही हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया था और कुछ भी लगाया था, और लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी, इवन पतला पतला काजल लगाया था, लाइनर वाइनर कुछ नहीं चलता था उस टाइम, चलता भी था तो ज़्यादा मेरे को नहीं था इतना। और सिंपल सी अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी, और शादी उस टाइम तक हुई नहीं थी, तो मैंने सिंदूर बिंदी और चूड़ी वगैरह कुछ नहीं डाली, तो सिंपल अपने गोल्ड के कंगन ही डाल लिए थे। और बिंदी अभी मेरे पास ब्लैक अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मैंने ब्लैक छोटी सी बिंदी लगाई थी, तो मैं काजल से उसे लगा रही हूँ, और चोटी बनाई थी मैंने खुद ही, रेडी हुई थी मैं। हल्दी लुक मेरी शादी के टाइम पे, और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी रिक्रिएट करने की, लेकिन फिर भी थोड़ा चेंज तो आ ही जाता है। कैसा लगा आपको मेरी ये कोशिश, मुझे बताइएगा कमेंट करके। और हमारे टाइम पे आपको लग ही रहा होगा कि बहुत ही सिंपल ज़माना था, मतलब कितने टाइम पहले की बात है आप गेस करिएगा। और उस टाइम ऐसा था कि लिपस्टिक तक यूज़ नहीं किया हुआ, केवल लिप बाम लगाया था मैंने और काजल लगाया था। और आपको चेंज लगा होगा कि थ्रेडिंग इतनी ज़्यादा पतली बनाई हुई थी, क्योंकि उस टाइम बहुत पतली चलती थी, और बाकी तो मैंने सेम ही रखने की कोशिश की। और अब मेरी चोटी बहुत छोटी हो चुकी है, जो कि पहले काफ़ी इतनी लंबी थी, और अब वो इतनी सी रह गई है, बाकी मैं तो मैं ही हूँ। और रख दो यार हर चीज़ को, हर्ष मेरा यहाँ पर सामान पूरा छेड़ने में लगा हुआ है, हर्ष रख दे बेटा। ये मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एल्बम शेयर करने वाली थी, तो एल्बम मैंने निकाली हुई है, तो बहुत ही मोटी एल्बम बनी हुई है यहाँ की, तो मेरे मायके की तो बहुत पतली थी। ये है मेरा एल्बम, और थोड़ा थोड़ा शेयर करती हूँ आपसे फटाफट फटाफट। तो कुछ इस तरह से है हमारे एल्बम का कवर पेज, आप देख सकते हैं उन दिनों चलता था ये थोड़ा थोड़ा 3D इफेक्ट वाला, और बहुत मुझे अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अब होती तो कभी भी ऐसा मेकअप ना करती, इतना गंदा मेकअप मेरा किया था। You said you
कि कैसी कैसी पोजें बनाई जाती थी, अब तो बहुत ही बढ़िया पोजें बनाई जाती हैं। देखिए कमर पे हाथ लगा के, गालों पे हाथ लगा के, एक ये बड़ा ही कॉमन पोज था, बड़ा फेमस। और ये सारे मेरे ऑफिस के स्टाफ के लोग हैं। अब तो मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, लेकिन पहले मैं जॉब किया करती थी तब मेरे स्टाफ के सभी लोग आए थे। ये मेरी कोलीग्स हैं, सारी लड़कियाँ मेरे साथ काम करती थी, मेरी फ्रेंड्स। ये हम चारों भाई बहन इस पिक्चर में हैं। मेरा छोटा भाई तब कितना छोटा था, मेरी सिस्टर, आप लोगों ने देखा होगा मेरी सिस्टर को अक्सर वीडियो में, मेरे बड़े भैया, इस बार वो भी देखे मैंने लास्ट वीडियो में, वो भी डाले थे एक वीडियो में, एक एक खाते हुए का बहुत ही कॉमन पोज, खाना खिलाते वक्त का। ये फेरे होने तक काफ़ी सीरियस मुद्रा में आ चुकी थी मैं। और ये अब सारे मैंने गोल्ड के ज्वेलरी पहन ली है, अपनी वाली ज्वेलरी उतार दी थी जो भी नकली होती है, और नकली वाली इतनी गंदी लग रही थी, बाद में मुझे लगा कि मुझे वो पहननी ही नहीं चाहिए थी। ये सारों में मेरी शक्ल बहुत ही दुखियारी भरी क्योंकि एक तो लेट नाइट लगी है, लगभग 2-3 बजे का टाइम हो गया जब ये शादी चल रही है, 2-3 बजे का टाइम होगा, तो उस समय तक मुझे बहुत भयंकर नींद आने लग गई थी। कितना दुख हो रहा है ना मंगलसूत्र पहनाते हुए, शक्ल से लग रहा है इतनी गंदी शक्ल बनाई है इन्होंने। शादी के 2-3 दिन बाद मैंने फिर से ये साड़ी रिपीट की थी, उस दिन का फोटो है ये, और कितनी बड़ी बिंदी मैंने लगाई थी देखिए इसमें। ये हमने आंगन में फोटो की थी फुल फैमिली, दीदी, मम्मी, पापा, भैया। नितिन कितना छोटा था, देखिए नितिन कितना छोटा था तब, जो मेरे वीडियो में भी आपने कल परसों के वीडियो में देखा होगा नितिन को, तब वो इतना छोटा सा बेबी था मेरी शादी पे। आपने कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में देखा, अब आपको गेस करना है कि मेरी शादी किस एरा में हुई होगी क्योंकि अभी इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो चुका है और मैं इतनी चेंज हो चुकी हूँ। ये देखिए ऐसा हुआ करता था नितिन, वहाँ कितना क्यूट था। ये हमारी कोमल, और कोमल ने अभी मेरी फोटोग्राफी करी, अब मैं कोमल ढूंढती हूँ इस एल्बम में कि कोमल तब कैसी थी, फिर आप अंदाज़ा लगाना। हाँ अभी 12th पास करके कॉलेज में जा चुकी है, और इसका मैं फोटो खोज निकालती हूँ पहले इसमें से, फिर आपको दिखाती हूँ। चलो दोस्तों, आपको मैंने 2-3 क्लू दे दिए हैं, एक नितिन को देख के आपको अंदाजा लगाना है कि मेरी शादी किस टाइम की थी, और एक कोमल दिखाती हूँ। कोमल अभी की कोमल दिखाओ पहले ध्यान से। ये अभी की कोमल है जो कि अभी नैनीताल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और ये है छोटा था, ये है बचपन की। गौर से देखो इस चेहरे, अरे लाइट पड़ रही है, मैंने वो चमक चमक पड़ रहा है। अरे अरे ये है कोमल, और करीब से दिखाती हूँ आपको कोमल। ये देखिए कोमल, अरे साइड में फूल भी लगाया हुआ है बिल्कुल गजरा आपने तो दिया था ये हेयरबैंड मुझे, अरे मैंने भेजा था ये, कितनी क्यूट लग रही, बीना भी कितनी छोटी थी यार तब। ये देखिए, ये है कोमल और ये है नितिन, ये मेरी शादी वाले दिन इतने छोटे हुआ करते थे। अब दोस्तों मुझे कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा, आपको बताना है कि शादी मेरी किस टाइम पे हुई। ये देखिए मेरे बच्चे कितना खुश हो रहे हैं शादी का, मेरा एल्बम देख के कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, आज का एंटरटेनमेंट, आज का ये ड्रामा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखा कोमल, ये तो गर्मियों का कूल लुक, सबसे कोमल दीदी ने गर्मियों का सबसे कूल लुक क्रिएट किया हुआ है, और मैंने इतनी भरी गर्मी में इतना खतरनाक डिसीजन लिया साड़ी और इतने हैवी गहने पहनने का। चलो मैं जाती हूं, बाय। चलो थैंक यू कोमल, बाय बाय, सबको बाय बाय बोल दो, मैं भी बाय बोल रही हूं सबको, बाय गाइस, बाय गाइस। अरे अभी सोने, हर्ष आप भी बाय कर दो सबको, बाय बाय गाइस, यहां हाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। दोस्तों मेन बात तो कहना भूल ही गई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज, और कमेंट करना मत भूलिएगा, आप नहीं करते हैं लेकिन फिर भी मैं बोलती रहूंगी कि करिए, कभी तो करेंगे, ठीक है, ओके बाय।